बिहार की धरती हमेशा से सत्ता का केंद्र रही है। आपको एक आंकड़ा बताते हैं, आपको याद होगा 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में घोषित किया गया, उसके बाद पटना में ही नरेंद्र मोदी ने हुंकार रैली भरी और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। आज 10 साल बाद इसी राजधानी पटना में एक बार फिर से महागठबंधन की एक बड़ी रैली हो रही है, एकता रैली हो रही है और शंखनाद महागठबंधन इसी राजधानी पटना से कर रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जितने तमाम बड़े नेता हैं कौन कौन पहुँचे हैं और कर क्या रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि 5-6 राज्यों के बाकायदा मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, यहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और इसके लिए सुरक्षा बहुत टाइट की गई है, कोई परिंदा भी पर ना मार पाए इसको लेकर पूरी पुख्ती इंतजाम किए गए हैं, पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि ये जो महा बैठक हो रही है इसका सूत्रधार कौन है। कहा ये जा रहा था अभी तक कि नीतीश कुमार ने वो कर दिया जो शायद राहुल गांधी भी नहीं कर पाते, लेकिन असल में नीतीश कुमार के पीछे जो कड़ी है वो है लालू यादव। जब कल तमाम बड़े नेता राजधानी पटना पहुंचे तो सबसे पहले हर कोई लालू यादव के पास पहुँचा, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा था। इस उम्र में लालू यादव ठीक से बोल भी नहीं पाते लेकिन राजनीतिक पकड़ उनकी इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने सभी नेताओं को एक मंच पर ला दिया है और नीतीश कुमार को आगे करके सबको एकजुट कर दिया है। और देखिए, नतीजा ये हुआ कि कल तक ये लग रहा था कि शायद ही ये तमाम बड़े नेता एक मंच पर आएंगे लेकिन आज सब एक मंच पर आ गए हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आती है, जो कभी कांग्रेस से दूर दूर भागती थी, आज कांग्रेस के साथ एक मंच पर बैठी है। अखिलेश यादव उस यूपी से आते हैं जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, अखिलेश यादव भी आज राजधानी पटना में हैं। स्टालिन, एमके स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम, जो कहीं ना कहीं नाराज़ थे कांग्रेस से, उनको भी मना लिया गया और वो भी शामिल हो गए। इसके अलावा देखिए, सीताराम येचुरी और हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में भी नहीं बनती थी लेकिन अब चूंकि मोदी को हराना है तो सभी एक मंच पर आ चुके हैं। साथ में भगवंत मान, पंजाब के सीएम, ये तमाम बड़े नेता अंदर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात आज ही ये तय हो जाएगा कि संयोजक कौन होगा, यानी जो यूपीए क्या फिर से बनेगी, क्या यूपीए का गठन फिर से होगा और ये तमाम बड़े नेता उसमें जब शामिल होंगे तो उसकी अगुवाई क्या नीतीश कुमार को सौंप दी जाएगी, ये सब चीज़ें तय होंगी। और लगभग ये मानकर चलिए कि इसकी अगुवाई अब नीतीश कुमार ही करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जब अगुवाई करेंगे तो आने वाले वक्त में जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में चेहरे की बात आएगी तब क्या होगा। तो जहां तक लग रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी की जगह नीतीश कुमार का ही बिहार से चेहरा प्रेजेंट किया जाए, इसको लेकर आपस में ज़रूर तालमेल में गड़बड़ आ सकती है लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देखकर बीजेपी भी अंदर से घबराएगी क्योंकि बिहार से जब कोई आंदोलन निकलता है तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट ज़रूर निकलता है। तभी इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी बिहार से आवाज़ जयप्रकाश नारायण ने उठाई और इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई, वो सत्ता से बेदखल हो गई। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ऐसी आवाज़ बिहार से उठ रही है और अलग बात यह है कि इस आवाज़ में इस बार कांग्रेस शामिल है। अब कांग्रेस के साथ तमाम इन दलों का जो ये महागठबंधन बन चुका है, अब देश की जनता इसको कितना स्वीकार करेगी और किन जनता के मुद्दों पर ये लोग आगे आएंगे और नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए और क्या कुछ कहेंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल राजधानी पटना में सबकी नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि सारा गणित यहीं से निकलेगा। 328 लोकसभा सीटों पर जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ बैठे तमाम जो नेता हैं उन्हीं राज्यों से आते हैं जो सीधे 328 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।